एक्शन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम जंतर मंतर। यहाँ पर कुछ लोग समस्त समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ये इनका बैनर है। इस बैनर पे लिखा है कि नेशनल लोकमत पार्टी यानी NLP। आइए हम इनसे जानकारी करते हैं और इनसे हम रूबरू होते हैं कि जो लोकमत पार्टी का उद्देश्य क्या है, इन्होंने क्यों पार्टी बनाई है और जो भारतवर्ष के अंदर इतनी सारी पार्टियां चल रही हैं उन पे इनका विश्वास क्यों नहीं है, तो इन्होंने जो अलग पार्टी बनाई है इनका अलग बनाने का क्या कारण है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर लताफत अली। क्या जी? लताफत अली। लताफत अली जी, जी, जी आपने ये जो लोकमत पार्टी जो बनाई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पूरा नाम नेशनल लोकमत पार्टी है और इसका उद्देश्य ये है कि इस भारत के अंदर तमाम जितने भी लोग रहते हैं वो सब इंसान हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, अगला पिछला, छोटा बड़ा, गोरा काला, ऊंचा नीचा, चाहे वो किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी कबीले का हो, वे तमाम के तमाम इंसान हैं, बल्कि पूरे विश्व के लोग। तो उन तमाम ही लोगों को हमें इस देश की धरती और धन में सरकारी कुर्सी, सरकारी वर्दी, सरकारी कलम, सरकारी बंदूक और सरकारी कारतूस में सभी को उनकी आबादी और आर्थिक आधार पर हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं ताकि सब लोग प्यार, मोहब्बत और अमन चैन, खैर सगाली और भाईचारे के साथ रहें। ये हमारा मकसद है। लताफत जी, जो ये आपने पार्टी का गठन किया है और सभी जब नया नया वो एक संगठन बनाते हैं, नया नया समूह बनाते हैं, सब इसी तरीके के अल्फाज बोलते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे और उनको हम किसी भी तरीके से दुख परेशानी नहीं होने देंगे, और जब समाज उनका साथ देता है और नेता हाईलाइट हो जाते हैं फिर वो समाज को भूल जाते हैं। हाँ, शासक वर्ग बनने के बाद, शासन की बागडोर हाथ में आने के बाद तो बाकी लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हम हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और वर्ग और वर्णों बाद में हैं, हम लोग पहले इंसान हैं। हमें इस प्राथमिकता पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो हमारा देश ज़्यादा तरक्की करेगा। और मेरा तो मानना यह है, चाहे तरक्की या डेवलपमेंट, विकास चाहे कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता और नफरत ख़त्म हो जानी चाहिए इस देश से, और इस देश के अंदर प्यार, मोहब्बत और भाईचारा कायम होना चाहिए। सबसे पहली बात हमारी नज़दीक ये है। सर, अभी जो पार्टियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर, भी कुछ सपा पार्टी थी या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी थी, क्या उस शासन के अंदर जैसे कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए और ना भी हुए, लेकिन बसपा के अंदर ऐसा बहुत कम हुआ और सपा के अंदर भी ये देखने में नहीं आए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक पैरलर में सबको ले आएंगे? हम नहीं, ये तो सीधी सीधी बात है कि हमारा इसलिए है और हमें पूरी उम्मीद है। देखो, गारंटी या दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? हमें इसलिए उम्मीद है कि हमारा सिद्धांत बिल्कुल साफ सुथरा है। हमारा है कि सब लोग अपने अपने धर्म पर रहें, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धति करें, कोई परेशानी नहीं, सब अपने अपने अकीदे को मानें, सब अपना अपना वेशभूषा, अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, सब लोग अपना अपना भजन करें, सब लोग अपना अपना भोजन करें, लेकिन अपने अकीदे में कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ हमारे हिंदू भाई बहुत साथ हैं, हमारे धर्मवीर तरवाल जी हैं, हमारे श्री गजेंद्र सिंह यादव जी हैं, कहाँ हैं यादव जी, किधर गए जी, और बहुत सारे साथी हैं। यानी हमारी नमाज का वक्त होगा तो अभी हमें इंशाल्लाह भी हम नमाज अदा करेंगे, और अगर हमारे हिंदू भाइयों को अपनी पूजा अपने तरीके से करनी हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं और हमें कोई परेशानी नहीं, ना हमें अजान की आवाज़ से कोई दिक्कत और ना हमें मंदिर के घंटों से और आरतियों से कोई दिक्कत जी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि वो समाज हमारी बात सुनेगा, क्योंकि वे लोगों की बात खोखली बातें साबित हुई, क्योंकि वे शासन कर चुके, उनकी बात हमने देख ली। उन्होंने हिंदू से मुसलमान को लड़ाया, गीता से कुरान को लड़ाया, मंदिर से मस्जिद को लड़ाया, अगले से पिछड़े को लड़ाया, पिछड़े से दलित को लड़ा दिया, और दलित से सबन को लड़ा दिया, भाई से भाई को, क्षेत्र से क्षेत्र को, और इस तरीके से पश्चिम से पूरब को, पूरब से पश्चिम को लड़ाने का काम किया, और सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए उन्होंने खून खराब में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, और हम इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को जड़ से मिटा कर दम लेंगे। लोकमत पार्टी जो आपने जो बनाई है सर, ये आपका दिल्ली में काम करेगी या ये और भी एक राज्य में काम करेगी? नहीं, ये पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर के, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ही रजिस्टर्ड है भारत निर्वाचन आयोग से, और लगभग इस वक्त भी हमारे, देखिए, दिल्ली में हमारा काम चल रहा है, दिल्ली प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में हमारा काम चल रहा है, उत्तराखंड में हमारा काम चल रहा है, पंजाब में हमारा काम चल रहा है, हरियाणा में हमारा काम चल रहा है, और राजस्थान में हमारा काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में हमारा काम चल रहा है, बिहार के अंदर हमारा काम चल रहा है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हिंदू मुसलमान भारत के तमाम वासी इस सच्ची मिशन के साथ, इस सच्ची तहरीक के साथ, इस तहरीक के साथ जुड़े हैं, और इन तमाम सूबों में जो मैंने गिनाए हैं इनमें हमारा स्ट्रक्चर, हमारी प्रदेश की बॉडी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला, देश, सब कुछ है, और हम इंशाल्लाह पूरी तरह मजबूत होकर बढ़ रहे हैं।
अब जो आने वाला चुनाव है, क्या आप उस चुनाव के अंदर फाइट कराएंगे नेताओं से? हाँ देखिए, जो चुनाव आ रहा है हम उस चुनाव की तो बात नहीं करते, क्योंकि अभी हमारा ध्यान चुनाव, हमारा मतलब है कि चुनाव चाहे हमारी पार्टी लड़े चाहे ना लड़े, हम इसमें नहीं, लेकिन हम अपना संगठन बना रहे हैं। क्यों? कि जब हमारा हर जिले में 1,000-2,000 लोगों का संगठन होगा, और जब यहाँ की सरकार या यहाँ के जो ना कोई भी शासन प्रशासन किसी भी तरीके से हमारे देशवासियों को, हमारी जनता को अगर वो सताता है, उत्पीड़न करता है, अगर कानून के खिलाफ काम करता है, तो वह हमारे हर जिले के 1,000-2,000 आदमी इकट्ठा होकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक, अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक तरीके से उस सरकार के उस फैसले का डट के विरोध करेंगे और अपनी जनता को न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ध्येय सिर्फ चुनाव का नहीं है, चुनाव को बाद में, लेकिन पहला संगठन मजबूत करके हमें जनता के हित को हमें लड़ना है। और जिस जिस इलाकों में और जिस क्षेत्रों में, जिस सूबों में हमारी पार्टी लड़ने लायक होगी और वहाँ के लोकल के साथी यानी स्थानीय साथी अगर कहेंगे, तो हम फिर वहाँ बिल्कुल चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही तो बनी है। पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, पार्टी सरकार बनाना चाहती है। सर, ये सरकार जो चल रही है सबका साथ विकास की बात करती है, वो सबके विकास की बात करती है जी, लेकिन उस सबका विकास की जो बात है उसकी सिर पे वो जो कुछ हो रहा है देख रहे हैं आप लोग। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप देख लो कि उन्होंने काले धन का वादा किया था, क्या आया? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है, क्या रिश्वत बंद हो गई? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है, सारी सड़कें ठीक हो गई? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है, क्या तमाम समस्या दूर हो गई? क्या कोई रिश्वत बंद हो गई? क्या जो तमाम समस्याएं थी वो खत्म हो गई? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं जी। मैं सीधी सीधी कहता हूँ, देखिए काला धन भी नहीं आया, और उसके अलावा जो नोटबंदी करी थी उन्होंने कहा था जो नोटबंदी के बाद हमारे देश को जो मुनाफा हुआ, काला धन जो सामने आना चाहिए, जो हमारे देश के खाते में जमा होना चाहिए, अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका भी हिसाब दे दो कि कहाँ है वो धन, कहाँ चला गया भाई, कहीं तो आया होगा। जो जिन लोगों का काला धन था वो जमा नहीं कर पाए अपना काले धन की वजह से, तो सरकार को बचाना, वो पैसा कहाँ है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी से कहता हूँ, और बहुत सारी ने कितनी बातें, ये सब बात कहने की है जी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम अपनी जनता से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ी बात मेरी नज़र में सांप्रदायिकता और नफरत की है। आप नफरत की बात में किसी में ध्यान मत दो, हम सब हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं, और जब इंसान है तो उस अल्लाह के, उस परमपिता परमेश्वर के, उस गॉड के, उस सच्चे मालिक के हम सब बंदे हैं, और जब उसके बंदे हैं, इस धरती माँ के सपूत हैं, तो हम सब भाई भाई हैं, हम सब आपस में बहन भाई हैं, क्योंकि आदम हुआ गोरा पार्वती एडम एंड यू, उन सब की औलाद हैं हम लोग, बोलो जी। तो हम धर्म, तो धर्म सी हम मानते हैं, धर्म और मजहब के नाम पर हमने माना कि हमारे सब चीज़ अलग अलग हैं, लेकिन इंसानियत के नाते तो एक हैं। तो मैं सिर्फ ये अपील देना चाहता हूँ अपने देश की जनता को, अपने दिल्ली वासियों को, कि सब इंसान के नाते और इंसानियत के नाते इस हम सब इंसान की सेवा करें, अपने देश और समाज की सेवा करें, और अपने देश को, इस दुनिया का जो विश्व शक्ति है, इसको विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाए रखें, और इसे फिर दोबारा सोने की चिड़िया बनाएं, जो नेशनल लोकमत पार्टी के बैनर से और इन वफादार साथियों की मेहनत से ही हो सकता है इंशाल्लाह, और वो हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। धन्यवाद।